अपना यूट्यूब चैनल। मैं पहुंच गया हूँ दादर स्टेशन पे और मेरे साथ है मेरे दोस्त लोग। मैं आपको उनसे बाद में इंट्रोड्यूस करूँगा। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। सो आज हम जाने वाले हैं तारकर्ली के लिए, जो कि है बहुत ही अमेजिंग प्लेस। वहाँ पे हम लोग स्कूबा डाइव करेंगे और करेंगे बहुत सारी राइड्स। अभी रात की ट्रेन थी कुछ 11:17 थी, तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं कुडाल स्टेशन, कुडाल बस स्टॉप पर, जो कि कुडाल स्टेशन से थोड़ी ही दूर है, कुछ 10-15 मिनट की दूरी पे रहेगा। वहाँ से हम लोग ने टमटम की थी। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए होटल में और यह है हमारा होटल जहाँ पे हमने अपने रूम बुक किया हुआ है। ब्लू हेवन करके नाम है, बराबर सी के सामने है। बहुत मस्त व्यू है यहाँ से, सी व्यू आप देख सकते हो। पीछे थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है, मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ बाद में। अभी तो फिलहाल पहले चेक इन कर रहे हैं हम लोग होटल में और होटल के रूम्स भी दिखाऊँगा आपको कैसे है होटल। बहुत मस्त होटल है, आइए चेक इन करते हैं। इन कर लिया है हमने, अब जा रहे हैं रूम के तरफ, रूम देखते हैं कैसा है। सेकंड फ्लोर मतलब ये है। रूम बुक किया हुआ है, सब सो गए, सब थके हुए हैं। ये बड़ा रूम बुक किया हुआ है हम लोग ने, सब बहुत थक गए हैं और नीचे दोस्त लोग बोल रहे कि फ्रेश हो जाओ। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट के तरफ और सिंधुदुर्ग फोर्ट जाते टाइम यहाँ से पानी से जाना है बोट से, तो अभी हम लोग बोट का टिकट निकालेंगे यहाँ से और कुछ 30 मिनट्स में हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे यहाँ से बोट से, और 30 मिनट्स बाद वापस से रिटर्न है। मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर पकड़ के चलो ट्रैवलिंग का फोर्ट में जाने के लिए। सिंधुदुर्ग फोर्ट है, यहाँ से बोट करनी है जो कि बोट जाएगी आगे फोर्ट की तरफ, सिंधुदुर्ग फोर्ट के तरफ। वहाँ से फिर हम लोग सिंधुदुर्ग फोर्ट घूमेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा वो चीज़ के लिए बिकॉज अभी टिकट निकालेंगे।
सो गाइस हम पहुंच गए सिंधुदुर्ग फोर्ट में। अभी जस्ट पहुंचे हैं। अब देख सकते हो मेरे पीछे सिंधुदुर्ग फोर्ट है जहाँ पे अभी हम जाने वाले आगे। बहुत मस्त है। आने जैसा है यहाँ पे भी। अगर आप तारकर्ली विजिट कर रहे हो, तारकर्ली में अगर विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत देखने जैसा है ये फोर्ट भी। यहाँ पे सामने वाटर राइड्स भी होती है। यहाँ पे सामने वाटर राइड्स चल रही है। सो गाइस मैं पहुंच गया हूँ टॉप पे फोर्ट के। पूरा 360 एंगल घुमा रहा हूँ मैं आपको देखने के लिए।
सो गाइस हम पहुंच गए रॉक गार्डन में। यहाँ पर मास्क कंपलसरी बोला गया है अंदर आने के टाइम, और 5 रुपीज़ एंट्री फीस है। अंदर आने का 5 रुपया देना पड़ता है रॉक गार्डन में। बहुत ही मस्त व्यू आ रहा समीर भाई, आज अपन क्या क्या करने वाले हैं? अभी हम जाने वाले हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। ये तारकरली बीच है, तो स्कूबा डाइविंग ये डीप सी स्कूबा डाइविंग है। मैक्सिमम पानी की डेप्थ रहेंगी 30-35 फीट तक। 15-20 मिनट के लिए अंडर वाटर आपको एक्सपीरियंस रहेगा। उसमें आपको 1,200 रुपीज़ डाइविंग की कॉस्ट है, उसमें इंक्लूडेड। आप बीच से करीबन 5-6 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे, करीबन पानी में आप 30-35 फीट डेप्थ जाएंगे। उसमें आपको GoPro 7 में आपका अंडर वाटर वीडियो शूट इंक्लूडेड होता है। GoPro 7 में वीडियो शूट, फुल HD वीडियो शूट इंक्लूडेड होता है। पानी फुल क्रिस्टल क्लीन वाटर है। मैक्सिमम आपको अंडर वाटर बहुत से कोरल, ब्राउन कोरल, प्लेट कोरल्स, रोज कोरल, कोरल्स, बाकी बहुत से प्लांट्स है, फिश है, जेवरा फिश तो बहुत क्वांटिटी में है, रेड स्नैपर है, ब्लैक डैमसेल है, एंजल फिश है, बहुत से फिशेस है। और हम यहाँ पे अच्छी तरफ से डाइव करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो फुल ऑफ एंजॉयमेंट है। आप आके एंजॉय कर सकते हो। हमारी बोट आ चुकी है, अभी हम यहाँ से जाएंगे बोट में। हमारा होटल पीछे ही था, हम होटल से निकले हैं। अभी पीछे आप देखोगे तो पीछे होटल दिख रही है। अभी हम जा रहे हैं पानी में। ये हमारी बोट आई है, ये बोट में हम लोग को अंदर लेके जाएगी बोट, पानी के अंदर एकदम डीप में, जहाँ पे स्कूबा डाइव हम कर सकते हैं। 10 लोग हैं पहले हमारे दोस्त लोग जो पीछे बैठे हैं, हम लोग अपने सो यहाँ से हम लोग अभी पानी के अंदर जाएंगे, फिर वहाँ से 30 फीट डीप स्कूबा करने वाले हैं। एक्स्ट्रा वेट म्हणून ओके
तिकडे सर गेल्यावरती समजा कारण पाण्याची लो
यो भाई पूरा नीचे तो लग जाके आयो, पूरा नीचे से उठा के लेके आयो, फुल ऑफ एंजॉय अपन। यो रॉकिंग भाई, बहुत फटे था, एकदम नीचे तो लग टच करके आयो, मारी पे तो अभी नीचे जाके आए, नीचे से उठा के लेके आया हूँ मैं। फुल ऑफ मजा आया नीचे, बहुत फटे एंजॉयमेंट है, आके एंजॉय करना जरूरी है। अगर आपको लगता है आप ज़्यादा टाइम रह सकते हैं नीचे तो आप पूछ सकते हो, मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं था, एकदम डीप तक गया था और डीप में से ये लेके आया। उसने मेरे को बोला अगर कुछ चाहिए नीचे से मेमोरेबल टाइप तो आप ले सकते हो, अंडर वाटर फुल ऑफ फन, मज़ा बहुत मज़ा है, आप एक बार ट्राई करके देखना ज़रूर, ठीक है? ओके गाइस।
हम लोग अभी पैरा सीलिंग करने के लिए जा रहे हैं। हमारा स्कूबा डाइव हो चुका है, अभी हम लोग जाएंगे पैरा सीलिंग करने। ये है देवबाग बीच पे। देवबाग बीच के लिए हम लोग ने एक रेंट पे एक बोट लिया है जो कि हम लोग को 4 पॉइंट पे लेके जाएगी, और बाकी का अपडेट मैं आपको वहाँ पे पहुँच के दूंगा। तो गाइस हम लोग अभी देवबाग पहुँच गए हैं, देवबाग बीच के वहाँ पे पहुँच गए हैं। अभी हम आगे का स्पॉट देखेंगे कैसा है। यहाँ से बोट किया हम लोग ने रेंट पे, आपको जैसे बताया था मैंने। अभी देवबाग बीच पे पहुँच गए, ठीक है, तो आगे से बोट करेंगे और बोट से फिर जाएंगे 4 पॉइंट पे। बहुत मज़ा आएगी।
अभी यहाँ के बीच पे हम लोग जा रहे हैं जो कि हम लोग के होटल में ही प्राइवेट है, प्राइवेट बीच है ये होटल का, थोड़ा सेपरेटली जहाँ पे हम लोग दिखते बीच पे बहुत। ये ब्लू हेवन पीछे होटल है जहाँ से डायरेक्ट व्यू है, डायरेक्टली व्यू आता है बीच का होटल से। गैलरी में जो गैलरी दिख रही है आपको वो साइड के लास्ट टॉप फ्लोर पे राइट हैंड साइड। सो दोस्तों हम लोग पहुंच गए कुडाल स्टेशन और हमारी ट्रेन है 7:45 की, तो अभी तो बज रहे 6:30। हम लोग एक घंटे पहले पहुंच गए कुडाल स्टेशन पे। बहुत मज़ा आया तारकरली में, फुल एंजॉय किया है, ट्रिप बहुत अच्छी थी। 3 दिन कब ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला, 3 दिन के ट्रिप के लिए आए थे, फुल मज़ा किया है दोस्त लोग के साथ। साल में एक बार ऐसा ट्रिप होना ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगता है दोस्त लोग के साथ टाइम स्पेंड करो, न्यू प्लेस पे घूमना है, बहुत अच्छा लगता है। अभी हम चलते हैं थोड़ा फ़ोटो निकालने के लिए, चलो गाइस।